जो ब्लॉग वेबसाइट है उसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो गाइज़, हमारे पास काफ़ी इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट होती हैं जो ब्लॉग होती हैं, जिनकी हमें काफ़ी बार ज़रूरत पड़ जाती है। जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले दिनों यूट्यूब बंद हुआ हुआ था, तो गाइज़ काफ़ी लोग यूट्यूब चला रहे थे गाइज़, लेकिन हम वो सॉफ्टवेयर करके VPN डाउनलोड कर कर हम जोनसेना इंटरनेट चलाते हैं, तो उससे काफ़ी स्लो हो जाती है इंटरनेट की स्पीड। तो गाइज़, हम बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के मोबाइल के अंदर ही थोड़ी सी सेटिंग कर कर हम किस तरह से सिंपल सेटिंग करके अपना VPN ओपन कर सकते हैं और ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले आप जाएंगे अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइज़, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि आपका VPN कहाँ पर है। VPN सामने है, लेकिन यहाँ से ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा। यहाँ से ये साथ में अगर ओपन करूँगा तो वहाँ से ऊपर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मैंने ओपन किया और सबसे ऊपर देखें, यहाँ पर जहाँ बैटरी का निशान आ रहा है, बैटरी के साथ वाईफाई और साथ में VPN ओपन हो गया। लेकिन गाइज़, इसकी सेटिंग कहाँ से होगी आपके पास यहाँ नहीं आएगा। काफ़ी मोबाइल्स में ना यहाँ ऊपर नहीं आता ऑप्शन वाईफाई के साथ, जो VPN कनेक्ट होने के बाद। तो सबसे पहले गाइज़, आपने वाईफाई में चेक करना है। वाईफाई में अक्सर मोबाइल में वाईफाई के अंदर यहाँ एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ कहीं पर VPN होता है, और मेरे पास यहाँ VPN नहीं है। तो गाइज़, मैं यहाँ से बैक आऊँगा। बैक आने के बाद फिर एक बार बैक जाएंगे। उसके बाद गाइज़, हम यहाँ पर आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा अपने मोबाइल के अंदर। मेरे मोबाइल में यहाँ देखिए मोर सेटिंग्स है, मैंने काफ़ी चेक किया लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नज़र आ रहा VPN। ठीक है, मैं यहाँ पर मोर सेटिंग पर जाऊँगा। मोर सेटिंग पर जाने के बाद गाइज़, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अबाउट फ़ोन है, रैम वगैरह, एप्लीकेशंस और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स हैं। यहाँ पर देखिए VPN नज़र आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और गाइज़ ये देखिए हमारे सामने VPN का ऑप्शन ओपन हो गया। तो गाइज़, अब हम यहाँ पर इसकी सेटिंग किस तरह करेंगे। तो गाइज़, आपने ये सबसे पहले आपने ये ढूंढ लेना है आपने मोबाइल में कहाँ पर है, क्योंकि ये सब मोबाइल का सेम इसी तरह सेटिंग नहीं होती होती है सेटिंग के अंदर ही है, या वाईफाई की सेटिंग के अंदर होगा VPN आपका, या फिर आपका इस तरह सेटिंग के अंदर। तो गाइज़, वो आपको देख लेना है आपका कहाँ पर है। तो गाइज़, हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद गाइज़, आपने अपना गूगल क्रोम या जो भी आप ओपन करते हैं, उस जिसके ऊपर भी आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर जाने के बाद गाइज़, आप लिख सकते हैं VPNbook.com। जैसे देखिए ये गाइज़, यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा हुआ VPNbook.com लिखा हुआ आ गया। हम यहाँ से इसके ऊपर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद गाइज़, ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ जाएगी VPNbook.com के पास। गाइज़ ये देखिए, आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। इसके बाद गाइज़, आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ VPNbook के ऊपर साथ ही VPN फ्री लिखा है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज़, इस तरह से कुछ यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएंगे। ऑप्शन नज़र आने के बाद गाइज़, यहाँ से हम ऊपर करेंगे। तो गाइज़, आपने सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है ये PL2226.VPNbook.com लिखा हुआ है। आप यहाँ से कोई भी लिंक आपने उठा लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए गाइज, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं। ये देखिए USA VPN, इस तरह से Canada VPN, और उसके बाद फिर Canada VPN, और गाइज़ यहाँ से फ्रांस का VPN। आपने यहाँ से कोई भी लिंक है कॉपी कर लेना है, मैं ये फ्रांस का कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे तो गाइज़ यहाँ से कॉपी का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो देखिए गाइज़, यहाँ से मैंने फ्रांस के ऊपर कॉपी किया हुआ है। आप यहाँ से ये देखिए लिंक के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, जानने के लिए कि कौन कौन सा लिंक किस किस कंट्री का है। तो गाइज़, यहाँ से अब काफ़ी लंबी चौड़ी है, एक डिटेल है, लेकिन गाइज़ आपको बेसिक सेटिंग में बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। और उसके बाद गाइज़, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर अपने आपने दोबारा अपना वो जो VPN जहाँ पर सेटिंग्स है वहाँ पर उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज़, यहाँ पर लिखा होगा ऐड VPN नेटवर्क, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, क्योंकि वो मेरे पास पहले ही VPN बना हुआ है, तो इसलिए मैं अपना न्यू VPN आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूँ कि किस तरह बनता है। तो गाइज़, यहाँ पर आपने कुछ भी नेम लिख लेना है, अपना आपका अपना नाम, मेरा बाबर अली है तो मैं अपना बाबर लिखूँगा। और यहाँ से सेटिंग नंबर पर सर्वर एड्रेस जो आपने वहाँ से कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद गाइज़, यहाँ देखिए यूज़र नेम लिखा हुआ है। यूज़र नेम मैं आपको बता दूं कि यूज़र नेम कहाँ है। दोबारा हम वहाँ पर जाएंगे। दोबारा वहाँ पर जाने के बाद गाइज़, ये देखिए VPNbook लिखा हुआ है, ये यूज़र नेम है यहाँ पर नीचे ही। देखिए गाइज़, यहाँ VPN फ्री आने के बाद जहाँ से हमने ये कॉपी लिंक किए होंगे उसके नीचे ही यहाँ देखिए यूज़र नेम है और एक पासवर्ड है। तो गाइज़, आपने पहले यहाँ से आप यूज़र नेम देखें, यूज़र नेम आप लिखें यहाँ पर VPNbook। मैं यहाँ से इसको ओपन किया है और गाइज़ ये देखिए यहाँ से हम लिखते हैं VPNbook। यहाँ पे हम VPNbook लिखने के बाद गाइज़ दोबारा वहाँ पर जाएंगे।
ताकि ये देखिए हमारे पास वीपीएन बुक लिखने के बाद यहाँ नीचे कौन सा पासवर्ड है, AN4D7BM, ठीक है। आपने ये देखकर यहाँ पर लिख लेना है जो पासवर्ड है AN, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है AN4D4D, बाद गाइस दोबारा देख लेते हैं 7BM, तो गाइस यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप दोबारा दोनों ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर रिमेंबर पासवर्ड यूज़र एंड पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अगर यहाँ से आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको बार बार ये पासवर्ड और यूज़र नेम लगाना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइज़ हमारा जो न्यू वाला अकाउंट है वो ये है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो हमने न्यू बनाया है। सॉरी यहाँ से मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको साफ पता लग जाए। ये यहाँ से मैं इसको नो लिख देता हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मैंने यहाँ पर नो लिख दिया और उसके बाद गाइज़ हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज़ ये पहला हमारा जो है ये हमारा जो VPN है वो ओपन हो रहा है। ये कुछ लोडिंग लेता है फर्स्ट टाइम और फिर आपका रेगुलर ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखिए गाइज़ कनेक्ट हो गया हमारा VPN, ऊपर देखिए ऑप्शन भी नज़र आ गया है। और उसके बाद गाइज़ मैं आपको दूसरा वाला भी अपना ओपन करके दिखाऊँ। ये इस वक्त हमारे पास कैनेडा और ये USA का है, ये अब कनेक्ट होगा। गाइज़ यहाँ से हम इसको पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए लोडिंग होने के बाद ये मेरा VPN दोबारा, देखिए गाइज़ यहाँ से हमारा ये VPN ये वाला भी कनेक्ट हो गया है। तो गाइज़ इसकी आपको थोड़ी सेटिंग्स समझनी पड़ेगी इसको ओपन करने के ओपन करने से पहले। तो गाइज़ यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद गाइज़ हम यहाँ से आपको एक बार क्लियर करके बता दें कि गाइज़ ये वाला जो ये पासवर्ड और ये पासवर्ड जो है ना ये हर माह बाद या चेंज हो जाएगा। आपने दोबारा जब आपका वो वहाँ से अपना VPN कनेक्ट ना हो आपने दोबारा इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने दोबारा इस पासवर्ड आपने यहाँ पर रिफ़्रेश आएंगे। रिफ़्रेश करने के बाद जब आपका वहाँ से VPN कनेक्ट ना हो तो गाइज़ आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज नहीं हुआ, यूज़र नेम यही रहेगा, पासवर्ड आपका चेंज होता रहेगा। तो गाइज़ यहाँ से आपने जो पासवर्ड यहाँ पर होगा आप वहाँ जा। और गाइज़ अगर आप अपने प्ले स्टोर पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप डाउनलोड कर कर परेशान हो चुके हैं और आपको इस तरह की फेक ऐप्स वगैरह मिलती हैं तो गाइज़ उसके लिए भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम गाइज़ अपने चैनल पर बताते रहते हैं कि कौन सी ऐप्स न्यू रियल है और कौन सी फेक है। और गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे नो प्रॉब्लम टेक्निकल लाटिप चैनल को इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।